Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Hina Bhatia and welcome to another sitting itinerary video जिसमें मैं आपको देती हूँ सारी information related to places that अगर आपको वहाँ पर travel करना है तो itinerary क्या होगी, कितना budget चाहिए होगा, किस तरह plan किया जाए, basically हर एक छोटी से छोटी information related to that place. And इस video में आज हम बात करने वाले हैं भूटान के बारे में, one of my फेवरेट कंट्री एंड वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. अगर आप भूटान का ट्रिप प्लान कर रहे हो देन डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड ट्रस्ट मी आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा. एंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. मैंने भूटान में ट्रैवल किया था फ्यू मंथ्स बैक एंड आई थिंक आई एम एट अ गुड पोजीशन टू गाइड यू. तो सबसे पहले मैं टॉपिक पिक करती हूँ दैट हाउ टू रीच भूटान. सो भूटान इज़ आर नेबरिंग कंट्री एंड भूटान पहुँचने के लिए थ्री डिफरेंट ऑप्शंस हैं. सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन वन की. तो सिंपली सबसे ईजी वे है डेट यू कैन डायरेक्टली गेट अ फ्लाइट फ्रॉम इंडिया टू भूटान. भूटान में है पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड आपको इंडिया से भूटान की फ्लाइट मिल जाएगी. द फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी लेस, तो आपको वीकली कुछ एक या दो दिन में ही फ्लाइट्स मिलेगी एंड प्लस उसके जो फेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. बट डेफिनेटली दिस ऑप्शन इज़ अवेलेबल, तो आप पारो में आप लैंड कर सकते हैं एंड डायरेक्टली आप फ्लाइट ले सकते हैं इंडिया से. ये तो हो गया पहला ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन है कि आप इंडिया का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है भूटान से वो है बागडोगरा एयरपोर्ट. आप बागडोगरा तक की फ़्लाइट ले सकते हैं जहाँ भी आप इंडिया में रहते हैं. देन बागडोगरा पहुँच के आप देन रोड जर्नी कर सकते हैं टिल जयगांव. जयगांव में बेसिकली आप वहाँ पे इमिग्रेशन क्लियर करोगे एंड दैट्स हाउ यू क्रॉस द बॉर्डर बाय रोड फ्रॉम इंडिया टू भूटान. तो ये हो गया दूसरा ऑप्शन कि आप बागडोगरा तक फ्लाइट लेके पहुँचे एंड देन वहाँ से आप कैब लेकर जयगांव पहुँचे. जयगांव से 3 घंटे की आपकी रोड जर्नी रहेगी एंड जयगांव से आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे इमिग्रेशन ऑफिस पे सारी डॉक्यूमेंट्स अपनी वहाँ पे दिखाकर पूरा प्रोसेस क्लियर कर कर वो क्या है वो मैं आपको बताऊँगी. तो वहाँ पे ये सब क्लियर करने के बाद आप देन जयगांव से एंटर कर जाएंगे भूटान में. तो ये हो गया सेकंड ऑप्शन. नाउ थर्ड ऑप्शन है कि अगर आपको बागडोगरा की फ़्लाइट नहीं लेनी देन आप बाय ट्रेन पहुँच सकते हैं द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो कि है हासीमारा. हासीमारा तक आप ट्रेन लेकर वहाँ पे पहुँच कर एंड देन आफ्टर दैट हासीमारा से रेलवे स्टेशन से आपको ऑटो या कैब लेनी पड़ेगी अगेन टू रीच टू जयगांव. एंड जयगांव में देन आफ्टर क्लियरिंग द इमिग्रेशन प्रोसेस यू कैन एंटर द भूटान एंड देन आप एंटर कर जाएंगे फुंचलिंग टाउन में. सो ये हो गए थ्री डिफरेंट वेज टू रीच टू भूटान. जो भी आपके अकॉर्डिंग कन्वीनियंस वे हैं आप ये तीनों में से चूज कर सकते हैं भूटान पहुंचने का ऑप्शन. नाउ अब बात करते हैं इमिग्रेशन प्रोसेस की, जिसमें बहुत लोगों की काफ़ी क्वेरीज रहती है कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए. पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट डेट चाहिए, तो क्या हमारा आधार कार्ड चलेगा, वोटर आईडी कार्ड चलेगा, ये सब मैं क्लियर करती हूँ यहाँ पे. सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको पासपोर्ट चाहिए एंड पासपोर्ट कंपलसरी नहीं है. इफ़ मानिए अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है देन आपका वोटर आईडी कार्ड इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल एज ऑफ नाउ. इफ़ अगर आप पासपोर्ट लेके जा रहे हो तो डेफिनेटली उसकी 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए. एंड इफ़ अगर आपके पास पासपोर्ट है ही नहीं देन यू कैन टेक द वोटर आईडी कार्ड ऑल्सो. आधार कार्ड नहीं चलता, वोटर आईडी कार्ड फिर भी एक्सेप्टेबल है. बट आई वुड से कि अगर प्रेफरेबल एंड हो सके तो प्लीज़ कैरी योर पासपोर्ट ओनली, आपके लिए बहुत ईजी प्रोसेस रहेगा. पहली चीज़ हो गई कि आपको पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी कार्ड चाहिए. नाउ सेकेंड इज़ यू रिक्वायर SDF. नाउ व्हाट इज़ SDF? SDF इज़ बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी जो कि भूटान गवर्नमेंट ने इम्पोज करी है स्पेशली आफ्टर कोविड. एंड ये एक मेजर रीज़न है जो आजकल कहा जाता है कि भूटान इज़ नाउ वेरी एक्सपेंसिव टू ट्रैवल बिकॉज SDF आपका पर डे पर पर्सन बेसिस है. डैट मीन्स कि अगर आपका सपोज 7 डेज़ का ट्रिप है भूटान का देन पर डे की जो फीस है SDF की वो है 1200 रुपीज़. ये एक मेजर फैक्टर है जिसके कारण भूटान का ट्रिप एक्सपेंसिव हो जाता है. एंड ये सारा प्रोसेस आपका इमिग्रेशन ऑफिस पे होगा, वहीं पे आप ले सकते हो, वहीं पे कर सकते हो. सेकंड चीज़ होगी SDF की फ़ीस. अगर आपको 7 डेज़ का ट्रिप है आप उन्हें अपनी आइटनरी बताओगे एंड उसके बेसिस पे आप अपना 1200 को मल्टीप्लाई कर लेना अपने नंबर ऑफ डेज ट्रैवल से, देन यू विल पे द फी देयर. सेकंड थिंग इज़ दैट थर्ड रिक्वायरमेंट है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस विच इज़ अगेन कंपल्सरी. इफ़ अगर आप 7 डेज़ का ट्रिप कर रहे हैं देन अप्रोक्सीमेटली आपकी जो
ट्रैवल इंश्योरेंस की कॉस्ट आएगी वो आएगी 600 rupees. नाउ दिस इज नॉट पर डे बेसिस, पूरा होल टूर की होल ट्रिप की कॉस्ट है. एंड अगर आप 7 days से ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, अगर सपोज 15 days है, देन आपका जो ट्रैवल इंश्योरेंस की कॉस्ट है वो 1000 भी टच कर सकती है. फोर्थ थिंग इज कि आपको गाइड भी कंपल्सरी है भूटान में फॉर एवरी डे. एंड गाइड की जो कॉस्ट होती है वो समवेयर रेंज करती है बिटवीन 1000 to 1500 rupees. नाउ दिस इज़ नॉट पर पर्सन बेसिस, बिकॉज सपोज अगर आप दो लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको एक ही गाइड चाहिए होगा. अगर आप चार लोग ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो तो अगेन एक ही गाइड चाहिए होगा. एंड अगर सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो अगेन आपको एक गाइड चाहिए होगा. एंड सोलो ट्रैवलर के लिए तो भूटान नाउ इट्स रियली एक्सपेंसिव नाउ. तो उसका क्या तरीका है वही मैं आपको बताऊंगी बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो. बट यहाँ पर चार चीज़ें ये चाहिए, ये चीज़ें वहाँ पे आप क्लियर करके इमिग्रेशन वगैरह, ऑल द प्रोसेस इज वेरी इजी, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है. नाउ अगर आपको यहाँ पर सिम कार्ड परचेज करनी है वो भी आप इमिग्रेशन ऑफिस पर कर सकते हैं. सिम कार्ड की जो कॉस्ट है वो है 300 rupees भूटान का. अगर आपको लोकल सिम लेना है तो डेफिनेटली ले सकते हो. एंड उसमें आपको 1 GB जो डेटा है वो फ्री मिल जाता है. एंड अगेन यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दैट इंडियन करेंसी इज वाइडली एक्सेप्टेड देयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड भूटान और इंडिया की जो करेंसी वैल्यू है वो भी सेम है, वहाँ पे इंडियन करेंसी एक्सेप्टेड है. ओके, सो जैसे ही आप नाउ इमिग्रेशन ऑफिस से बाहर निकलेंगे आप एंटर कर जाएंगे फुंशलिंग में. एंड फिर वहाँ पर होटल में भी स्टे कर सकते हैं. बट आई वुड से कि वहाँ पे स्टे ना करके आप सीधा अपनी जर्नी कंटिन्यू कीजिए एट दिस वेरी फर्स्ट डे ओनली टू गो टू थिम्फू. नाउ थिम्फू इज द कैपिटल सिटी ऑफ भूटान एंड वहाँ पे आपको होटल्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे. एंड देन प्लस वहीं पे आप ओवरनाइट स्टे कर सकते हैं. ओके, सो डे वन पे हम सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे थिम्फू को. अगर जो फ्लाइट से गए हैं तो वो तो पारो से एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग आइटनरी चेंज कर लेना. बट यहाँ पर मैं, अगर आप बाय रोड जा रहे हो, सिंस मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम इंडिया गो बाय रोड ओनली टू भूटान, सो हाउ ऑर्डर वाइज आई टेल यू. बट अगर आप पारो से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो आप रीअरेंज कर सकते हो. ओके, सो डे वन पे हम थिम्फू से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे एक्सप्लोर करने की भूटान की. सबसे पहले हमने जाना है थिम्फू में देखने के लिए भूटान का द लार्जेस्ट सिटिंग भूता. एंड ये बहुत ही बड़ा स्टैचू है, अगेन बहुत ही गॉर्जियस है. एंड ये पूरा सराउंडेड है बाय द ह्यूज हिमालयन रेंज. आपको वहाँ पे बहुत सुंदर व्यूज मिलेंगे. एंड कुछ 1,25,000 भूदास इसके अंदर वहाँ पर हैं. एंड कहते हैं कि आप अगर उस पूरे इतने बड़े स्टैचू को देख रहे हो तो यू आर नॉट लुकिंग एट वन स्टैचू, बट यू आर सीइंग द लाइक द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टैचूज एट द सेम टाइम, अप्रोक्सीमेटली 1,25,000. एंड प्लस इन जगहों के अंदर की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं होती, तो अंदर का व्यू तो मैं आपको एनीवेज वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगी. बट ये जगहें खुद एक्सपीरियंस करने वाली है, डेफिनेटली आप भी टिक मार्क ज़रूर आपको ये जगह विजिट करनी है ऑन सेकेंड डे वाइल इन थिम्फू. इस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद आप जा सकते हैं ताकिन रिजर्व. इट्स अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ताकिन रिजर्व में आपको भूटान का नेशनल एनिमल देखने के लिए मिलेगा जो कि है ताकिन. एंड ताकिन इज़ द मोस्ट यूनिक एनिमल जो मैंने अभी तक अपनी लाइफ में देखा है. वाई इज़ दैट? बिकॉज ताकिन का लाइक स्ट्रक्चर इज लाइक दैट कि उसका जो हेड है दैट इज लाइक अ गोट, द बॉडी इज लाइक अ काउ एंड द नोज इज लाइक अ मूस. सो इट्स द मोस्ट यूनिक फैक्ट अबाउट दैट एनिमल. सो ताकिन आप देख सकते हैं. 300 rupees कुछ एंट्री फी होती है. एंड अगेन आपको ज़रूर जाना चाहिए. एंड ये होगी सेकेंड प्लेस वहाँ पर विजिट करने के लिए. आपको और तो वहाँ पर और भी एनिमल्स देखने को मिलेंगे, आप उनको फील भी कर सकते हो दूर से. एंड हल्का सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इन्जॉय करके वहाँ पर आपको एक घंटा आराम से चला जाएगा. यू कैन गो टू नाउ सिंस लंच टाइम होगा तो आप जाएंगे सिंपली भूटान. भूटान के बारे में सर्च भी करोगे ऑनलाइन तो आई थिंक ये रिकमेंडेशन तो आपको मिलेगी ही मिलेगी आपको वहाँ पर जाने के लिए क्या है. So simply Bhutan is a place where you can have the where you can enjoy the local delicacies of Bhutan along with experiencing their heritage and culture. वहाँ पे भूटान का लाइक लोकल डांस से लेके हेरिटेज से लेके मास्क डांस ये सब कुछ वहाँ पे लाइक फन एक्टिविटी लोकल वाइन ये छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे आप एक्सपीरियंस करोगे. एंड प्लस अनलिमिटेड फूड होता है. कुछ 1200 rupees पर पर्सन वहाँ पे फीस होती है. सिंपली भूटान में आप कम से कम 3 घंटे भी ईजिली स्पेंड हो सकते हैं क्योंकि वो इतनी फन प्लेस है. Now after that it will be evening time, so you can go to the market in Thimphu. Thimphu may there will be like a lots of cafes, there will be karaoke sessions going on in different parts in the city. Karaoke वहाँ पर बहुत चलते हैं, so आप ये सब experience कर सकते हैं. Cafes में enjoy कर सकते हैं food वगैरह and वहाँ की local market explore करना and then souvenirs खरीद के. That's how your day one will spend in Bhutan. Now it will be day two. Day two पर हम जाएंगे guys Thimphu से Punakha.
एंड थिम्फू से पुनाखा की रोड जर्नी होगी एंड दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली ऑफ 100 किलोमीटर्स, 3 घंटे लगेंगे. बट ऑन द वे देर विल बी सम लैंडमार्क, इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जो आप एक्सप्लोर करेंगे. मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस जो कि है दोचला पास, वो आप क्रॉस करेंगे वाइल गोइंग पुनाखा फ्रॉम थिम्फू. सो दोचला पास अगेन यू विल गेट द 360 हिमालयन व्यूज फ्रॉम देयर एंड बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है वो भी. तो दोचला पास को एंजॉय करके वहाँ पर फोटोज़ वगैरह करके अगेन वहाँ पे आधा घंटा स्टे करके एंड ऑफकोर्स वहाँ का जो हाइट है दैट इज़ नॉट वेरी मच, तो वहाँ पे आपको ऐसे मोशन सिकनेस या हाई ऑल्टीट्यूड प्रॉब्लम नहीं होगी. डोंट वरी अबाउट दैट. पास जो है वो बहुत ही सुंदर है बट बहुत ज़्यादा हाइट पर नहीं है, सो दैट्स नॉट नीड टू वरी अबाउट. के बाद आप पहुँचोगे पुनाखा. नाउ पुनाखा पहुँच के ही सबसे पहले आप जा सकते हो पुनाखा जोन, जो कि बहुत अमेजिंग प्लेस है. 500 रुपीज़ अगेन द एंट्री टिकट वॉज एंड बट इट इतना अमेजिंग प्लेस है ये कि अगेन आपको एक्सपीरियंस आप खुद वहाँ पे जाओगे तभी आप कर पाओगे, बिकॉज अंदर की शूटिंग वगैरह अलाउड नहीं थी. बट बाहर से जो भी मैं उस जगह को कैप्चर कर सकती थी वो आपको स्क्रीन पे आ रहा है. इट वॉज लाइक अ फेरी टेल प्लेस, सुंदर जगह है वो एंड मज़ा आ गया था उसको एक्सपीरियंस करके. इसे आपको कम से कम 2 घंटे अप्रॉक्सीमेटली लग जाएंगे. आफ्टर दैट यू कैन गो टू सस्पेंशन ब्रिज, जो पुनाखा जोन है एंड सस्पेंशन ब्रिज है वो वॉकेबल डिस्टेंस पर ही है. तो आप वहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज जाएंगे एंड इज़ अ लॉन्ग सस्पेंशन ब्रिज जहाँ पे दोनों तरफ आपको बुद्धिस्ट फ्लैग से डेकोरेट हो रखा है. वो अगेन गुड प्लेस फॉर फोटोग्राफी, वहाँ पे बहुत सुंदर फोटोज आएंगी. तो शाम के टाइम वहाँ पे जाके आप आराम से बैठ के चिल कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, देन यू विल चेक इन द होटल. सो ये हो गया हमारा डे 3. नाउ डे 4 पे हम जाएंगे गाइस पुनाखा से पारो. बट पुनाखा से पारो जाने से पहले देयर आर सम प्लेसेस जो कि पुनाखा के बिल्कुल अराउंड में ही हैं एंड यू शुड एक्सप्लोर. सो मेरी जो हाईली रिकमेंडेड प्लेस हैं दैट यू शुड गो देयर विच इज़ खामसुम यूले वैली एंड वहाँ पे स्तूपा है जो कि थोड़ी हाइट पे लोकेटेड है. वैसे आपको उस जगह तक पहुँचने के लिए हाइक करनी पड़ेगी जो कि होगी कुछ 45 मिनट्स की एंड हाइक बहुत ईजी है, बहुत ईजी. जस्ट कैरी द वाटर बॉटल्स एंड सम स्नैक्स विद योर सेल्फ एंड यू विल बी फाइन. आप जो खुद एक्सपीरियंस करेंगे वहाँ पे जाके अपनी आँखों से वो अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा. सो ये एक्सपीरियंस करने के बाद आप जहाँ से भी आपका ये ट्रैक का बेस पॉइंट है जो स्टार्ट होता है वहीं पर ही आपको फैसिलिटी मिलती है रिवर राफ्टिंग करने की. सो रिवर राफ्टिंग मैंने अपनी लाइफ में पहली बार की थी और यहीं पर की थी और बहुत ही मज़ा आया था. तो रिवर राफ्टिंग आप वहाँ पर कर सकते हैं. कुछ 5,000 to 6,000 एक बोट का प्राइस होता है जिसमें कुछ 6 पीपल कैन सिट इन दैट बोट एंड बट मस्ट रिकमेंडेड है. कुछ 1 घंटा अगेन आपका इसी में निकल जाएगा रिवर राफ्टिंग बोट करने में ही. तो अगेन आप ये यहाँ पर एक्टिविटी कर सकते हैं. देन आफ्टर दैट यू कंटिन्यू योर जर्नी टू पारो एंड पुनाखा से पारो दूर है, अगेन 3 to 4 घंटे लग जाएंगे पहुँचने में. बेसिकली शाम ही हो जाएगी एंड देन शाम को पहुँच कर अपने होटल में चेक इन करेंगे डे 4 पे. नाउ लेट्स जंप टू डे 5. डे 5 पे गाइस इस पूरे ट्रिप का द मेजर लैंडमार्क ऑफ भूटान वो हम देखने वाले हैं. एंड अगर आप भूटान का जस्ट नॉर्मली ऐसे रैंडम सर्च पे करोगे गूगल पे या कहीं भी सोशल मीडिया पे आपको ये फोटो ज़रूर दिखेगी जो कि है टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री की. एंड ये बहुत ही हिस्टोरिकल लैंडमार्क है भूटान का, तो आपको ये तो देखना ही देखना है. सो बेसिकली ये अगेन हाइक है टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री की, आपको हाइक करनी पड़ेगी एंड हाइक ईजी है, बिगिनर्स के लिए भी ईजी है. मैंने खुद करी है तो आई कैन टेल यू कि डरने वाली कोई बात नहीं है कि आपको लाइक बहुत लंबी हाइक है या फिर मुश्किल है, बिकॉज नॉर्मली ऐसा एक परसेप्शन होता है. बट आई वुड से नो इट्स ईजी. एक वन डे का 3 घंटे से 2 घंटे आपको लग जाएंगे ऊपर पहुँचने के लिए टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री में. बट द हाइक इज़ ईजी, अगेन कैरी द वाटर बॉटल्स विद यू, सम स्नैक्स विद यू, विल गेट द कैफे ऑल्सो इन बिटवीन. जब आप 50% अपना रास्ता कंप्लीट कर लोगे वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर कैफे आएगा, वहाँ पे भी आपको कुछ खाने पीने के ऑप्शन मिल जाएंगे. हाइक तो ज़रूर करनी है आपको एंड मॉर्निंग में स्टार्ट करना 7-8 बजे के अराउंड आप स्टार्ट कर सकते हो. 3 घंटे आपको ऊपर पहुँचने में लगेंगे, दैट्स अ मैक्सिमम टाइम आई एम टेलिंग यू, उससे कम भी लग सकता है. बट आफ्टरनून का टाइम तो यहीं पे ही हो जाएगा ये पूरा हाइक करने में एंड आराम से. नाउ भूटान में एक ट्रेडिशन है विच इज़ नोन एज हॉटस्टोन वाटर बाथ. ये नॉर्मली वहाँ पर ये हाइक करने के बाद ही की जाती है. हॉटस्टोन वाटर बाथ बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ रिलैक्सिंग प्रोसीजर. अगर आप हाइक करके आ रहे हो डेफिनेटली थके होंगे एंड उसमें आपको बहुत ही लेकिन रिलैक्सिंग फील होगा. बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा ये प्रोसेस है एंड यू विल फील वेरी गुड. तो आप ये एक एक्सपीरियंस अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं आफ्टर द हाइक. यूजली ये किया जाता है एंड आपको पारो में ये ऑप्शंस काफ़ी जगह पे मिल जाएंगे. सो ये आप एक एक्सपीरियंस वहाँ पे ले सकते हैं जो कि मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ कि येस यू कैन हैव इट. सो आफ्टर दैट अगेन एक्सप्लोर द पारो लोकल मार्केट एंड गेट द सुवेनियर्स, बिकॉज दिस विल बी यूर लास्ट डे इन
द भूटान. सो आप वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, सुवेनियर्स खरीद सकते हैं. नाउ ऑन डे 6 यू विल कम बैक टू योर होम टाउन. या तो आप वापसी की फ्लाइट ले सकते हैं पारो से, अदरवाइज अगेन यू हैव टू कम टू फुंचलिंग. एंड फुंचलिंग से जाएगा आप एंटर करेंगे इंडिया में एंड देन फ्लाइट लीजिए बागडोगरा से, जहाँ भी आपका होम टाउन है. सो बात करें ओवरऑल डेज की, तो अल्टीमेटली 7 डेज आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लोर भूटान, जिसमें से 1 दिन भूटान पहुँचने का हो गया, 5 दिन भूटान एक्सप्लोर करने के हो गया एंड द लास्ट डे विल बी टू कम बैक टू इंडिया. तो 7 डेज इज रिक्वायर्ड. अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो 1 दिन आपका कम हो सकता है, बट दिस विल बी लाइक अ परफेक्ट आइडियल आइटनरी आई वुड से फॉर भूटान. एंड आपको भूटान की मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन एक्सप्लोर करनी है. ऑल्दो द कंट्री इज ह्यूज, अगेन देर विल बी अ लॉट मोर टू सी, बट इफ समवन इज गोइंग देयर फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर यूजली 6 to 7 डेज, देन दिस इज लाइक अ परफेक्ट आइटनरी फॉर दोज पीपल. नाउ यू जस्ट सी द होटल लिस्ट. जहाँ पे मैं रुकी थी वहाँ पे मैं आपको सारे होटल्स रिकमेंड कर देती हूँ कि कहाँ कहाँ आप अपनी होटल की बुकिंग वगैरह कर सकते हैं ऑनलाइन. सो लिस्ट आपके सामने आ रही है स्क्रीन पर. एक और चीज़ कि अगर आप, सिंस वी नो दैट भूटान इज रियली एक्सपेंसिव, एक और आपको मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे एक चीज़ रिकमेंड कर देती हूँ कि अगर आप पैकेज लेके जाना चाहते हैं, देन मैं जिस तरह गई थी, मैंने एक वहाँ की लोकल एजेंसी से पैकेज लिया था जो कि था डिवाइन भूटान का. अगेन कोई प्रमोशन नहीं है, जस्ट आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग. बिकॉज पैकेज अगर आप लेके जाओगे तो उसमें आपका गाइड का चार्जेस, SDF वगैरह सब कवर हो जाएगा. प्लस अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आपके लिए तो बेस्ट है, क्योंकि आपको पर पर्सन गाइड के चार्जेस वगैरह नहीं देने पड़ेंगे. सो उस वे में बहुत ही ये एक अफोर्डेबल ऑप्शन हो जाता है. सो इन केस यू आर लुकिंग टू टेक द पैकेज फॉर भूटान, देन आई कैन रिकमेंड डिवाइन भूटान, क्योंकि मैं खुद उनके साथ गई थी तो इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद देम एंड बहुत ही सस्ता पड़ गया था. ओवरऑल बजट की बात करें तो अगर आप चाहे खुद से भी प्लान कर रहे हैं या खुद से प्लान नहीं भी कर रहे हैं, दोनों में आपको कैटेगरी में बताती हूँ कितना बजट चाहिए होगा. अगर आप किसी पैकेज के थ्रू जा रहे हैं तो आई वुड से कम आपको 50,000 पर गेन लगे जाएगा आपका पूरे ट्रिप के लिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्लान दैट आई शेयर्ड इन दिस वीडियो. अदरवाइज अगर आप खुद से प्लान कर रहे हैं देन इट कैन गो अप टू 60,000 to 65,000 ऑल्सो, बिकॉज वो आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा. तो दोनों वेज मैंने आपको बता दिया, खुद से प्लान करना आप खुद से भी कर सकते हैं, खुद से प्लान नहीं करना तो अगर आपको पैकेज लेके जाना तो आप इस तरह भी जा सकते हैं. दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है एंड आई होप सो कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे अगर आप जब भी भूटान का ट्रिप प्लान करें तो. एंड इन केस आई एम मिसिंग सम इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट. एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, मतलब पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर अब तक नहीं किया तो. मैं मिलती फिर आपसे एक नई जगह पर किसी नई वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी ट्रैवल.